किशोर साहब, उनको मैं बेस्ट ऑफ लक कहना चाहूँगा। उनकी पहली म्यूज़िक वीडियो है और मैं अपने आप को खुशनसीब समझता हूँ क्योंकि उन्होंने मुझे इतने अच्छे म्यूज़िक वीडियो में एज अ मेन मॉडल के हिसाब से उन्होंने मुझे लिया हुआ है। और ये एल्बम का नाम है नशा ही नशा, और डेफिनेटली ये एल्बम सबको नशे में डाल देगी, बिकॉज गाने आप जैसे आप सुन रहे हो, गाने बहुत ही खूबसूरत है, वैष्णो देवा जी ने बनाए हैं। बस मैं अपने आप को मैं खुशनसीब इसलिए समझता हूँ कि मैं आई एम अ पार्ट ऑफ दिस म्यूज़िक वीडियो। इसकी तैयारी की इस गाने के लिए आपने कुछ बताना चाहिए हमारे दर्शकों? मेरे जो म्यूज़िक डायरेक्टर है और सिंगर है, पिछले करीबन वन मंथ से, एक महीने से दे आर लाइक कि एक अच्छा सा म्यूज़िक वीडियो करना है, तो करीबन तीन गाने हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं और तीनों गाने पिक्चराइज के लिए हम लोग गोवा जाएंगे, फिर अपने बॉम्बे में कर रहे हैं, गोवा में कर रहे हैं, पुणे में कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह का मेहनत वैष्णो देवा जी और सिंगर ने किया है कि इट्स हैट्स ऑफ, और आज गाना सुनने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि उनकी मेहनत रंग लाई। सर, बेसमेंट की बात आपकी बहुत में मिले, बेसमेंट इतने लंबा असर, क्या बात है? सर, क्या होता है ना कि हमेशा एक चीज़ बात की है कि एक जब नया आर्टिस्ट जो बिल्कुल फिल्म इंडस्ट्री से नहीं होता है, तो मैं कोई डायरेक्टर का बेटा तो हूँ नहीं या किसी एक्टर का बेटा तो हूँ नहीं, तो हमेशा टाइम लगता है, बिकॉज ये एक जो स्ट्रगल है इंडस्ट्री का, वो फॉर अ न्यू कमर इट इज़ अ बिग स्ट्रगल। लेकिन फिर भी मैंने जिस लेवल पे मैं पहुंचा हूं, जिस लेवल से मैंने फिल्में की है, आप मुझे बहुत ही अच्छी और बड़ी फिल्म में बहुत जल्द देखेंगे, दिसंबर में रिलीज़ होगी। मैं फिल्म का इट्स अनटाइटल नेम, लेकिन मैं इतना तो कहना चाहूँगा कि बहुत मेहनत की है और डेफिनेटली मेरी और दो पिक्चरें अच्छी आ रही है। बस यही चीज़ कि इतना वक्त इसलिए लग गया क्योंकि कहते हैं ना कि बैकबोन होना बहुत ज़रूरी है इंडस्ट्री में, तो मेरा कोई बैकबोन है नहीं, खुद से कर रहा हूँ, लेकिन बहुत जल्द अच्छी पिक्चर आएगी। तो नेगेटिव रोल रहेगा क्या कि सर? आई वुड लव टू डू नेगेटिव रोल्स। मैं जैसे कि मेरी बेसमेंट में भी मैं भले एंटी हीरो था, मैंने नेगेटिव रोल किया था, आई वुड लव टू डू नेगेटिव रोल्स बिकॉज वो मेरा फोर्टे है, और नेगेटिव रोल करना ज़रूर चाहूँगा। मैं कई प्रोड्यूसर डायरेक्टर को कहता हूँ, भाई मुझे खाली सिर्फ हीरो नहीं बनना, मुझे अगर मुझे ग्रे शेड भी मिलता है तो आई विल डेफिनेटली डू इट। सर, हाँ, शाहरुख जी तो सर सबके फ़ैन हैं और मेरे तो बहुत ही अजीज़ है, बिकॉज मैं जो भी कुछ करता हूँ तो उनके पदचिन्हों में शाहरुख जी और गोविंदा जी, डांस मेरा गोविंदा जी की तरह है, तो शाहरुख जी ने जी की हर एक्टिंग को मैं कोशिश करता हूँ कि अपने उसमें डालूँ, लेकिन अपनी तरह से मैं करूँ। तो डांस की बात की आपने, इस फिल्म, इस गाने में आपको डांस नज़र आएगा? या ऑफकोर्स, इस गाने में आपको डांस भी नज़र आएगा, इस गाने में आपको एक बहुत ही अच्छी स्टोरी लाइन नज़र आएगी क्योंकि गोवा इज़ अ ब्यूटीफुल लोकेशन, तो थोड़ी स्टोरी लाइन मेरे कोरियोग्राफर ने की हुई है। कोरियोग्राफर जो है वो मैं इसलिए क्योंकि जस्ट अभी अभी जस्ट इनका फाइनल हुआ है, तो मैं उनका अभी जस्ट नाम नहीं इतना मैं ये कर सकता हूँ, बिकॉज द वर्ड्स बातें चल रही है कोरियोग्राफर की, बट इन्होंने जिस तरीके से हमको बताया है स्टोरी लाइन, अगर उस स्टोरी लाइन से चला तो डेफिनेटली ये गाना हिट होगा। क्या है सर? स्टोरी लाइन है कि जैसे इट्स अ पार्टी सॉन्ग, जैसा मेरा एक बेसमेंट में बहुत ही अच्छा पार्टी सॉन्ग था वैसा ही ये पार्टी सॉन्ग है, तो स्टार्ट होता है डिस्कोथेक्स से, कंप्लीट होता है अपना इसमें गोवा के बीच पे। सर क्या है ना कि सर पहले जब इंडस्ट्री में कोई अच्छे सिंगर को एंट्री करनी होती थी तो एल्बम म्यूजिक वीडियो से उनका एक आगमन होता था, अभी क्या हो गया ना कि सर बहुत ही ज़्यादा कमर्शियल यानी कि कॉरपोरेट के आने के बाद थोड़ा बजट के हिसाब से भी एल्बम को बाहर लाना, बिकॉज पहले एल्बम में कमाई होती थी, अभी एल्बम से कोई कमाई नहीं है। वेरी फ्रेंकली मेरे म्यूजिक डायरेक्टर है और मेरे सिंगर है और प्रोड्यूसर साहब भी है, इसलिए मैं बताना चाहता हूँ कि इसमें कोई कमाई नहीं होती, जस्ट इफ़ यू वॉन्ट टू लॉन्च योर सेल्फ तो एल्बम की ज़रूरत होती है, और सिंगर जब अपने आप को अच्छी तरह लॉन्च करता है, हालांकि जैसे टी सीरीज़ है, म्यूज़िक जी म्यूज़िक है, काफ़ी सपोर्ट करती है आजकल, बीच में बिल्कुल नहीं था, लेकिन अभी उन्होंने सपोर्ट करना शुरू किया है, तो ऐसे नए सिंगर्स के लिए दिस इज़ वेरी गुड, एंड आई थिंक कि एल्बम सॉन्ग्स वापस आगे बढ़ने चाहिए और आएंगे डेफिनेटली। थैंक यू सर, थैंक यू सर। एक दो तीन अलग अलग टाइप के सॉन्ग हैं, एक थोड़ा सा पंजाबी लुक है जिसमें थोड़ा सा डांस भी है, और दूसरा है थोड़ा सा रोमांटिक, थोड़ा सा बैक टू किशोर कुमार स्टाइल का, थोड़ा सा कमाल शानू स्टाइल का, मतलब सॉफ्ट आवाज़ में थोड़ा सा होता है। बस कितनी तैयारी की इस गाने की?
महीना तो हो गया, तो एक महीने से तो चल ही रहा है कारोबार। ये मेरे गुरु जी हैं वैष्णव जी, तो इनके साथ सीखते सीखते यू नो हफ्ते में दो तीन बार बैठ बैठ कर एक एक घंटे दो दो घंटे गुनगुना। सर आप क्या कहना चाहिए? हाँ जी क्या बोला सर आपने? कई कई गाने दिए, हिट गाने दिए जी जी जी, आज का ये गाना जी। हाँ सर आपने कई सारी हिट गाने दिए, क्या कहना चाहिए आज जी? देखिए आज तक एल्बम के लिए लोग आते हैं अपने पास, बहुत अच्छी बात है। और अभी डेलजान बढ़िया जो है ये मेरे पुराना मित्र है, उनका फिल्म का म्यूजिक वगैरह किया हूँ, तो उन्होंने पहले मेरे को ये एल्बम के लिए बोले कि भाई एक एल्बम करना है। शिकागो में रहते हैं मिस्टर ये केतन प्रसाद, ये देख लो ये दोबारा क्वेश्चन। हाँ दोबारा से सेम क्वेश्चन। हाँ जी देखिए हिट गाने दिए इसीलिए डेलजान जी ने याद किए इस एल्बम के लिए, और उन्होंने बोले कि शिकागो में उनका फ्रेंड है जो उनके एल्बम करना है, तो केतन प्रसाद जी हैं जो साथ में हैं अभी, और हम लोग एक महीना से पहले तो गाने की सिलेक्शन किया, तैयारी की, और उनके आवाज़ को जो सूट करेगा और आजकल का जेनरेशन में भी जो थोड़ा चल रहा है वो मिक्स करके मैंने बनवाया, और मुमताज़ निखत जी जो राइटर हैं लिरिक्स उनसे और केतन प्रसाद से लिखवा के अपन बनाया आज। आजकल तो गाना सुन रहे हैं हम लोग जी, लग रहा है किशोर कुमार और पप्पीदा की आवाज कहीं से कहीं घुमा समझी लग रहे हैं। हाँ हाँ वैसे भी तो अपने फील दिए हैं। कौन सा ये आपने गाना सुना? नशा, नशा एल्बम का नाम नशा ही नशा है। देखिए कि इनका आवाज़ का क्वालिटी थोड़ा सा है वो टाइप में, लेकिन ये वो आप देखेंगे कि वो जो गाना पंजाबी गाना गाए हैं तो उसमें बिल्कुल अलग टोन है, वो खुद की आवाज़ में गाए हैं। अभी जो और एक तीसरा गाना गाने वाले हैं उसमें एकदम हस्की आवाज़ है। मदहोशियाँ क्या लाइन है भाई? मदहोशियाँ छा गई है तेरे लिए, तो एकदम मेलोडियस गाना है और हस्की गाना है। सर आज के दिनों में देखा जाता है बॉलीवुड में कि गलत गलत लिरिक्स होते हैं, महिला को डेरोगेटरी रिमार्क होता है, आप कैसे देखते हैं इस तरह के गाने बनते हैं? नहीं देखिए कि मार्केट में लोग कर रहे हैं, लेकिन लिरिक्स और ये सब जो कुछ अगर दायरे में नहीं रह के करे तो मैं तो उनके साथ नहीं। क्योंकि मेनका गांधी का भी बयान आया है अभी अभी कि उन्होंने कहा है कि बॉलीवुड जिम्मेदार होता है, अश्लील फैला रहा है बॉलीवुड, आप क्या कहते हैं? बात ये है कि देखिए कहने वाले तो कुछ भी कहेंगे, लेकिन आज की डेट में कोई गाने में कोई भी लाइन्स अगर बहुत ही गड़बड़ है तो सेंसर का भी आने ही नहीं देता मार्केट में, तो सवाल ही नहीं है कि गलत है। तो प्रेम पुजारी हैं, प्रेम के गाने लिखे हैं, गाने टीजिंग दिखाते हैं फिल्मों में। नहीं मैं पूरा कॉन्फिडेंस से कहूँगा कि हम लोगों का कोई भी गाना मार्केट में गलत गाना नहीं होता है। नहीं आपका नहीं आ रहा है मगर जो संगीत का गीत होता है, कुछ लोग जो गिर रहा है उसके बारे में। हाँ वो थोड़ा सा लोगों को आजकल के संगीतकार जो भी हैं उनको मेरा रिक्वेस्ट है कि भाई आप ये मत समझिए कि संगीत एक इबादत की चीज़ है, एक पूजा जैसा चीज़ है, और उसको इतना बलगार मत बनाइए। देखिए आज भी ओल्ड इज गोल्ड है, गाना सुनते हैं कितना बढ़िया लगता है लिरिक्स उसका म्यूजिक, भटकिए मत, ये मेरा रिक्वेस्ट है। क्योंकि मेलोडी आज भी लोग बनाते हैं कुछ लोग, लेकिन वो बलगार या कोई ऐसा मान नहीं बनाइए कि वो पूरा दुनिया से बाहर पूरा वो आगे का पीढ़ी के लिए बेकार हो जाएगा। जो टाइटल है नशा ही नशा है, तो ये संगीत में किस प्रकार का नशा है? किसका और किस किसके फोटो दोनों? हाँ इनको भी ले लो ना साथ खड़ा करके, इनको भी ले लो सर। लोग कहाँ सर? हाँ जी सर एक साथ ले लो, ले लेना बिल्कुल। क्या बात है,
आज के इस अवसर पे आप क्या कहना चाहेंगी? मैं ये कहना चाहूँगी कि आज के जो नई नस्ल है उसको ध्यान में रखते हुए अगर हम उनके दिल की बात कहें तो ज़्यादा कामयाबी है, क्योंकि हमारे जो बच्चे हैं वही गीतों को हिट करते हैं और वही हमें पसंद करके हमें भी हिट करते हैं। तो हमने नशा ही नशा में इस बात को ध्यान में रखा है कि उनकी आवाज़ को जो सूट करे ऐसा गीत लिखें, और आजकल जो चल रहा है जिस तरीके का ट्रेंड है गानों का उस तरीके से कुछ लिखें। और हमारे वैष्णो देवा जी जो हैं वो तो उसमें माहिर हैं, वो नफ्स पकड़ लेते हैं कि इंसान क्या चीज़ पसंद करेगा और फिर उस पर वो धुन बनाते हैं, और बड़ी प्यारी धुनें मेलोडियस धुनें बनाते हैं। वो आप खुद देखेंगे कि इन गीतों में कितनी मेलोडी है और कितना प्यार है। आज का गाना कौन सा ऐसा है जो आपको लगता है कि वाकई प्यारा गाना है? वही जो मधुशियाँ चांदी लगी हैं, सबसे प्यारा गाना। थैंक यू।